फ्रेंड, आज क्लास हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के बारे में, यानी ईंट के निर्माण के बारे में। तो बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हमें गुजरना होता है, और साथ साथ बात करेंगे कंपटीशन में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हुए चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लेक्चर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, जैसे हम बात करने वाले हैं ईंटों के निर्माण की। तो ईंटों को निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले। इसका मतलब ये है कि जिस ईंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सॉइल है उसे हम पहले प्रिपेयर करेंगे, यानी जो हमारी क्ले है उसको हम तैयार करेंगे ईंट को बनाने के लिए। दूसरा, अब जब हमारे पास सॉइल तैयार हो जाएगी, यानी जो क्ले है उसको हम तैयार कर लेंगे ईंट को बनाने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि ईंट की एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज होता है, तो उसको रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड का यूज करते हैं। तो इस मोल्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी मोल्डिंग करते हैं, और मोल्डिंग भी हमारी कई प्रकार से हो सकती है, जो आगे हम बात करेंगे। दूसरा हमारा है, जब हमारे पास मोल्ड के द्वारा ईंट हमारी तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ईंट को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं। अलग अलग प्रोसेस है हमारे, तो जिनके द्वारा हम उसकी क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, और साथ साथ बात करेंगे ड्राइंग के बाद हम क्या करते हैं, ईंट को जलाते हैं, आप कह सकते हैं ईंट को हम पकाते हैं। अलग टाइप के हमारे भट्टे वगैरह होते हैं, उनकी मदद से हम ईंटों को पका देते हैं। उसके बाद हमें ईंट का निर्माण हो जाता है, और ईंट का हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट के ईंट की मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ क्ले। पहले स्टेप पर हम बात करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले का मतलब यह है कि जब हम ईंट को बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्ले को तैयार करना होगा, मिट्टी को तैयार करना होगा। तो तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, आप किसी फील्ड में जाएंगे जिस फील्ड की सॉइल आपके लिए सूटेबल है उस ईंट के निर्माण के लिए, तो हम जाएंगे और उसको क्या करना होगा, हमें उस ग्राउंड पर हमें सबसे पहले करना होता है अनसॉइलिंग प्रोसेस। अनसॉइलिंग का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो घास फूड कंकड़ पत्थर वगैरह हमें कुछ ऊपर टॉप लेयर में ग्राउंड पर हमें देखने को मिलता है, तो उसके वजह से हमें ईंट के निर्माण में वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, कंकड़ पत्थर वगैरह ये सब हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की कुछ हाइट तक, कुछ डिस्टेंस तक की हमें सॉइल हम हटा देते हैं। कितनी, 20 सेंटीमीटर तक हम क्या करेंगे, उसकी टॉप लेयर हम जो सॉइल की उसको हम रिमूव कर देंगे। तो अनसॉइलिंग क्या है हमारा, रिमूव 20 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल, यानी जो हम जिस ग्राउंड की मिट्टी से हम ईंट बनाने वाले हैं उस ग्राउंड की 20 सेंटीमीटर की हम लेयर को रिमूव कर देंगे। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, अनसॉइलिंग ऑफ सॉइल कहलाता है। यानी ईंट की मिट्टी को निर्माण करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है अनसॉइलिंग। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे, जब हम ईंट की मिट्टी को क्या ऊपर 20 सेंटीमीटर रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद हम करेंगे डिगिंग। डिगिंग का मतलब ये होता है, जब आपने सॉइल को रिमूव कर दिया, 20 सेंटीमीटर जमीन को आपने ऊपर से खुरस दिया, उसको हटा दिया वहां की सॉइल, तो उसको हटाने के बाद जो हमारी सॉइल हमें दिखाई देगा ग्राउंड पर, उस ग्राउंड में हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोद देंगे, और खोद कर हम क्या कर देंगे, सरफेस पर फैला देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिगिंग। तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ क्ले में कौन सा हो गया, अनसॉइलिंग, और अनसॉइलिंग में क्या कर दिया हमने, 20 सेंटीमीटर टॉप लेयर हमारी ग्राउंड की हमने रिमूव कर दी, ताकि हमारे कंकड़ पत्थर वेजिटेटिव मटेरियल वगैरह सारे हट जाएं, ताकि हमें एक फ्रेश सॉइल मिल सके। और उस सॉइल को हमने क्या कर दिया, फिर हमने डिगिंग कर दी, उसको खोद कर हमने ग्राउंड पर फैला दिया, तो हमारा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डिगिंग। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत है कि उस, हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जब हम ग्राउंड को खोदते हैं तो उसमें भी हमें कंकर पत्थर वगैरह देखने को मिले आफ्टर 20 सेंटीमीटर रिमूव करने के बावजूद भी, तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो कंकर पत्थर या वेजिटेटिव मटेरियल्स वगैरह उसके अंदर उपस्थित हैं उनको हम रिमूव कर दें, तो उसे कहते हैं मिट्टी की सफाई करना, यानी क्लीनिंग ऑफ सॉइल। तो तीसरा प्रोसेस हमने क्या किया, रिमूव स्टोन पीबल्स वेजिटेटिव मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। क्योंकि उसका कारण क्या, हम इसको रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम ईंट का निर्माण करेंगे, जब उनकी बर्निंग वगैरह हम करते हैं, तो यही मटेरियल्स क्या करेंगे, उनके अंदर एक वॉइड्स का निर्माण करेंगे। अगर वो वॉइड्स बन जाएंगे ब्रिक के अंदर, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं सॉलिड ब्रिक के कंपेरिजन में वॉइड्स वाली ब्रिक की हमारी स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वॉइड्स डेवलप ना हो, उससे उसके लिए हमें अभी से सावधानी ये होगी, जब हम ईंट की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि प्योर पूरी तरह से उसके अंदर कोई भी कंकर पत्थर या वेजिटेटिव मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर्स जैसी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल ना हो, जिससे कि सॉइल में जब हम उसका निर्माण करें तो वॉइड्स डेवलप ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीनिंग ऑफ सॉइल कर देना चाहिए, जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनको हमें हटा देना चाहिए, ताकि हमें वॉइड्स से बच पाए, हम वॉइड्स ना डेवलप हो उसके अंदर, ताकि हमारी ईंट की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल जाए।
तो दूसरा हमारा है क्लीनिंग ऑफ सॉइल के बाद में अब आता है हमारा वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि सॉइल को ऋतु प्रभावी बनाना। ऋतु मतलब प्रभावी मतलब जब अकॉर्डिंग टू जो हमारा वेदर है उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करें, जब सॉइल को हमने ग्राउंड पर सरफेस फैला रखा है तो कुछ दिनों तक उसे हम छोड़ देते हैं ताकि उसकी वेदरिंग हो जाए। यानी कि वेदरिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सॉइल हमारी क्ले हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो क्ले को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, खुला हुआ छोड़ देते हैं उसको कुछ दिनों के लिए, तो उस वो हमारी क्या हो जाता है, वेदरिंग प्रोसेस हमारा कहलाता है। उसके बाद हम करते हैं आगे ब्लेंडिंग। अब देखिए जब आप मिट्टी बना जब आप ईंट बनाने वाले हैं तो ईंट बनाने के लिए हम जानते हैं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है ब्रिक की, जो कि हमने पिछले लेक्चरों में कुछ हम देख चुके हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, जिसमें हम बहुत सारे हमारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर किस ईंट में क्या होगा, आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम किसी चीज़ को हम एक बनाते हैं तो उसके एक रिक्वायर्ड केमिकल कंपोजिशन होती है। तो उस कंपोजिशन में अगर कोई चीज़ कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है। तो इसकी वजह से जो ब्रिक के हमारे केमिकल कंपोजिशन है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, जिसमें मैंने शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया था सलीम करके, तो उसमें सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड वगैरह वगैरह जो भी हमारे कंपोनेंट्स थे उनमें से अगर हम चेक करते हैं सॉइल को, अगर उनमें से कोई कंपोनेंट हमारा उसके अंदर नहीं अवेलेबल है तो उस रिक्वायर्ड केमिकल कंपोनेंट को हम मिट्टी में मिला देते हैं। तो ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले का ब्लेंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर ब्रिक में कोई भी कंपोनेंट की कमी है, किसी भी केमिकल कंपोनेंट की कमी है, तो उसे क्या कर देते हैं, हम एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड कर देते हैं और साथ के साथ वर्टिकली अप एंड डाउन करके मिट्टी को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके हम क्या करते हैं उसको मिला देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसको प्रॉपरली पूरी सॉइल में मिला पाएं, क्योंकि देखिए अगर सॉइल में किसी कंपोनेंट की कमी है तो जरूरी है कि पूरी सॉइल में से दूर हो, किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को दूर नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस मिट्टी में यदि किसी केमिकल कंपोनेंट की कमी है तो सॉइल में क्या करेंगे, उसे मिलाना तथा वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन करके हम उसको मिला देंगे। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग के बाद देखिए हमारे जो सॉइल यहाँ से यहाँ तक रेडी हो गई है, अब वो वेदर्ड है ऑलरेडी, उसके अंदर कोई केमिकल कंपोनेंट की कमी नहीं है, किसी टाइप का उसके अंदर स्टोन या पीबल्स नहीं है, तो अब तक हमने अपनी निगरानी में हमने जो सॉइल के लिए जो ब्रिक के लिए हमने सॉइल तैयार करी है वो एक बेस्ट क्वालिटी की सॉइल कही जाएगी, अगर आपने इतनी सावधानियाँ बरतते हुए यहाँ तक आप सॉइल को ले आए। अब बात आती है कि सॉइल में उसको गूंथें, जैसे कि हम सॉइल को गूंथें उसको टेम्पर्ड करें, तो टेम्पर करने के लिए नीडिंग करने के लिए गूंथने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ मशीनरीज अवेलेबल होती हैं जैसे कि पगमिल वगैरह, उसमें हम क्या करते हैं मिट्टी को गूंथ देते हैं। तो देखिए टेम्पर्ड क्या है, पानी की एक रिक्वायर्ड मात्रा, हम क्या करें अभी हमने ब्लेंडिंग किया था, ब्लेंडिंग में हमने क्या किया था कि उसके अंदर कोई केमिकल कंपोनेंट कम था तो उसके अंदर ऐड किया था। अब जब हम उसके गूंथेंगे तो अगर उसके अंदर पानी की कम मात्रा है तो पानी मिलाकर मिट्टी को हमें क्या करना होता है, किसी भी विधि से उसे क्या करें हम उसको गूंथ दें, तो वो हमारी टेम्परिंग कहलाता है। तो टेम्परिंग क्या है, सॉइल में रिक्वायर्ड वाटर मिलाकर गूंथना हमारा क्या कहलाता है, जिससे सॉइल होमोजीनियस बन जाए, होमोजीनियस तरीके से पानी मिले और उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाए। यानी प्लास्टिसिटी का मतलब यह है कि हम उसे किसी भी शेप एंड साइज में आसानी से ढाल पाएं, तो उसके प्लास्टिसिटी उत्पन्न करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्परिंग या नीडिंग कहलाता है। अब टेम्परिंग या नीडिंग के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं जिसमें हम बात करेंगे। एक होता है वर्ड पगिंग। पगिंग का मतलब क्या होता है, पगिंग का मतलब एक तरह से टेम्परिंग से ही है, लेकिन पगिंग हम तब यूज करते हैं जब हम टेम्परिंग किससे कर रहे हो, यानी मिट्टी गूंथ रहे हो इस पग मिल से। यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये पग मिल का डायग्राम है। अब इस डायग्राम को हम समझते हैं, हम क्या करेंगे, आप यहाँ से देख रहे हैं कि यह हमारी इस तरीके की एक शेप है, तो यहाँ पर आपका एक एंट्री होल दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सॉइल को एंटर करा देंगे, सॉइल यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉइल की डोज देंगे, यहाँ पर सॉइल डोज हमने यहाँ पर दे दी, और क्या होगा ऊपर से किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा या बेल द्वारा हम क्या करेंगे इनको घुमाते हैं, इस पूरे हैंडल घुमाएंगे। ये किससे कनेक्ट है, इस वर्टिकल शाफ्ट से, और जब इसको घुमाएंगे हम तो वर्टिकल शाफ्ट भी हमारी ऐसे रोटेट होगी, और वर्टिकल शाफ्ट पर क्या लगे हैं, ये ब्लेड्स लगे हैं। जब सॉइल इसके अंदर जाएगी और ये लगातार घूमेगा तो ब्लेड्स भी रोटेट करेंगे, तो ब्लेड्स क्या करते हैं इस सॉइल को गूंथते हुए आगे की ओर चलते, इस तरह से सॉइल को नीचे की ओर ले आते हैं। तो ये
हमारा ब्लेड द्वारा इस तरह, तो ये है कि पग मिल, तो पग मिल से अगर हम टेम्परिंग कर रहे हैं तो उस केस में कहते हैं पगिंग, यानी जब टेम्परिंग का काम पग मिल से किया जाए तो उसे पगिंग कहलाता है, तो और मिट्टी गूंथना हमारा टेम्परिंग या नीडिंग कहलाता है। तो ये हमारा पग मिल का डायग्राम है। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पग मिल ग्राउंड लेवल से कितने नीचे हमारी बनाई जाती है, तो ये हम जनरली 60 सेंटीमीटर इसको हम रखते हैं। दूसरा देखिए, ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रिपरेशन ऑफ किले के बारे में। अब यहाँ से हमें क्या होगा, सॉयल हमारी आउटलेट की फॉर्म में हमें मिलेगी, यहाँ से हमें सॉयल प्राप्त हो जाएगी और इस मिट्टी को हम क्या करेंगे, अब हमें जरूरत है उसकी मोल्डिंग करने की, यानी उसके एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में लाने की। तो मोल्डिंग क्या है, मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में हम ले आते हैं, यानी हम क्या करते हैं रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, यानी ईंट को हम क्या करेंगे एक रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में ले आएंगे, तो उसे क्या कहते हैं, मोल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। अब मोल्डिंग करते किससे हैं, अब मोल्डिंग करते हैं मोल्ड द्वारा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है मोल्ड का। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल कि बात हुई साइज की, तो हमें ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना होता हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है ईंट का एक स्टैंडर्ड साइज है। अब हम जानते हैं कि जो किले है वो सूखने पर क्या होगी, श्रिंक होती है, थोड़ी सी सिकुड़ती है, तो इस वजह से अगर हमें यही साइज का ब्रिक चाहिए तो जाहिर सी बात है ईंट हमारी बनने के बाद सिकुड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमें मोल्ड को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ताकि सिकुड़ने के बाद हमारे ईंट का ये साइज हमें एक स्टैंडर्ड शेप का साइज हमें मिल पाए, तो जरूरी है। तो हम यहीं पर कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कि स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक बनाने के लिए आप मोल्ड का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, तो मोल्ड साइज कितना इंक्रीज करेंगे हम, मोल्ड साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं 8-12%, इसके बीच में हम क्या करेंगे 8-12% इसका साइज हम इंक्रीज कर देंगे। जनरली अगर आपको पूछता है तो 10% हम साइज, एक वर्ड में अगर आपका आंसर देना हो तो 10% हम मोल्ड का साइज इंक्रीज कर देंगे, मोल्ड को हम 10% बढ़ा देंगे। तो 10% जब मोल्ड का साइज बढ़ाएंगे तो लगभग हमें कितना साइज देखने को मिलेगा इसका, ये हमें मिल जाएगा 21, यानी इसका इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड हमारा कितना हो जाएगा 21 ये 10 ये 10, यानी कि इसकी हमारी चौड़ाई 10, गहराई 10 और 21 इसकी लेंथ, यानी ईंट को बनाने के लिए आपका जो मोल्ड होगा वो मोल्ड हमारा कितना साइज का होगा 21x10x10। मैंने क्या कर दिया, सारे जो डायमेंशंस हैं उन्हें 8-12% तक लगभग 10% मैंने इन सब डायमेंशंस को बढ़ा दिया। जब मैं 10% डायमेंशंस को बढ़ा दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे ये शेप, ये साइज मुझे देखने को मिलेगा। तो मोल्ड का साइज अगर आपसे पूछता है तो मोल्ड का इंटरनल साइज हमारा कितना होगा ईंट के साइज का 1/10, या हम बढ़ाएंगे या पर आप कहेंगे कि 10% हम उसको बढ़ा देते हैं ताकि ईंट बनने के बाद सिकुड़े और सिकुड़ने के बाद हमें ये साइज हमें स्टैंडर्ड साइज हमें मिल जाए। चलिए अब यहीं पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आप ईंट का मोल्ड, सॉरी अगर आप लकड़ी का मोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप किस लकड़ी का यूज़ करेंगे, तो यहीं पर याद रखेंगे अगर हम वुडन मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, वुडन मोल्ड लकड़ी का मोल्ड अगर बना रहे हैं हम, तो हम बनाते हैं शीशम की लकड़ी का, तो ये याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है, शीशम की लकड़ी से हम क्या करते हैं लकड़ी का मोल्ड हम बनाते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और आप जानते हैं कि शीशम की लकड़ी हमारे दीमक के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिरोध व्यक्त करती है, सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस व्यक्त करती है। तो ये भी याद रखेंगे कि मोल्ड का साइज़ हमारा याद रखेंगे और शीशम की लकड़ी का साइज़ भी याद रखेंगे, शीशम की लकड़ी याद रखेंगे, वुडन मोल्ड के लिए हमें शीशम की लकड़ी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोल्ड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मोल्ड रेडी है, मोल्ड के बाद साथ के साथ क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ईंट के अंदर एक फ्रॉग दिल्ला भी होता है जो हमारा जब हम ब्रिक मेजनरी करते हैं तो वहाँ पर एक की तरह काम करता है, एक चाबी की तरह काम करता है, अच्छी बॉन्डिंग बनवाता है। तो उस ब्रॉक को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक बोर्ड का मैंने यहाँ पर बनाया, तो आपसे पूछ सकता है कि स्टॉक बोर्ड का काम क्या है,
तो स्टॉक बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस पर फ्रॉग, एक पटरी है ये जो कि हमारे मोल्ड के साथ लगती है, और उस पर क्या होगा फ्रॉग का, आप देखते होंगे जब ब्रिक के ऊपर एक गड्ढा सा रहता है, एक साइन रहता है जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरर का नाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो साइज़ है वो यहाँ पर हमने देख रहे हैं आप, यहाँ पर लकड़ी का एक तख्ता है, यहाँ पर एक ब्लू कलर का ऊपर यहाँ पर मैंने फ्रॉग लिखा हुआ है, ये उभरा हुआ रहता है। जब इसको हम ऐसे लगाएंगे, जब इसे हम मोल्डिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ब्रिक क्या होगी इसी शेप में हमारे ढल जाएगी। तो हमें जब ब्रिक को निकालेंगे बाहर, तो हमें वहाँ पर एक सांचा सा, एक खांचा हमें देखने, एक ग्रूव हमें देखने को मिलेगा, एक गड्ढा सा देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रॉग। तो यहीं से पूछ सकता है आपसे कि स्टॉक बोर्ड का काम क्या है, स्टॉक बोर्ड का वर्क है फ्रॉग प्रोवाइड करना। अब पूछेगा कि फ्रॉक का साइज क्या होता है, तो फ्रॉक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, गहराई हमारी 1 टू 2 सेंटीमीटर तक हम लेते हैं। तो ये हमारा फ्रॉक का साइज है, तो स्टॉक बोर्ड हो गया यहाँ पर। अब आती है कि मोल्डिंग करते कैसे हैं, तो मोल्डिंग करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं, हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग। कब हैंड मोल्डिंग का मतलब ये है कि जब आप ईंट को मोल्डिंग कर रहे हैं, उसको जो शेप एंड साइज में ढाल रहे हैं, तो हाथों द्वारा, और दूसरा हमारा है मशीन मोल्डिंग। तो मशीन मोल्डिंग या फिर हैंड मोल्डिंग, तो मशीन मोल्डिंग हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास जो क्ले है वो स्टिफ क्ले हो। स्टिफ क्ले अगर है, स्टिफ क्ले का मतलब है कड़ी थोड़ा, तो उस केस में हम यूज करेंगे मशीन मोल्डिंग, और अगर सॉफ्ट क्ले है तो उस केस में हम यूज करते हैं हैंड मोल्डिंग। अब हैंड मोल्डिंग दो तरीके की होती है, ग्राउंड मोल्डिंग या टेबल मोल्डिंग। यानी आप जो सांचे में ढाल कर ईंट को आप ग्राउंड पर वर्क कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ग्राउंड मोल्डिंग, आप टेबल पर वर्क कर रहे हैं तो उसे कहते हैं टेबल मोल्डिंग। जाहिर सी बात है, ग्राउंड पर जब हम सॉइल, जब हम ईंट बनाएंगे, तो उस केस में ग्राउंड पर रखें तो ग्राउंड की जो सरफेस होती है वो ज़्यादा प्लेन नहीं होती है, अनइवननेस, थोड़ा सा उसमें उबड़ खाबड़पन होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ईंट पर इंपैक्ट करता है। तो अच्छी क्वालिटी की हमें, तो यहाँ पर हम कहेंगे बैड क्वालिटी ब्रिक मिलती है, तो बेस्ट क्वालिटी की ब्रिक कहाँ मिलती है, टेबल मोल्डिंग में बेस्ट क्वालिटी ब्रिक, ये याद रखना है। बेस्ट क्वालिटी ब्रिक हमें कहाँ देखने को मिलेगी, किस मोल्डिंग में, टेबल मोल्डिंग में। दूसरा, टेबल मोल्डिंग में करते क्या है कि टेबल पर रख कर ईंटों को क्या करता है, टेबल की सरफेस प्लेन है तो वहां पर हम रख कर ईंटों को मोल्डिंग करते हैं, तो उसे टेबल मोल्डिंग कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि टेबल मोल्डिंग अगर करेंगे तो कोई एक व्यक्ति लगातार अगर खड़ा रहेगा एक बहुत लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोल्डर एफिशिएंसी डिक्रीज, मोल्डर एफिशिएंसी डिक्रीजेस। यानी इसमें हमारे क्या हो जाती है, मोल्डर की जो मोल्डर है वो बैठकर आसानी से काम कर सकता है, लेकिन वो खड़े खड़े अगर टेबल पर वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी हमारी कम होगी, और हमारी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो कम हमें मिलेगी। तो लेस नंबर ऑफ ब्रिक हमें इसमें मिलती है, लेस नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक। लेकिन एक बात यही कहेंगे, गुड क्वालिटी ब्रिक हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी, गुड क्वालिटी ब्रिक, गुड क्वालिटी ब्रिक। तो ये तीन बातें थी आपको याद रखना है, तीन चार पॉइंट मैंने बताए जो कि इंपॉर्टेंट थे टेबल मोल्डिंग को लेकर। तो ग्राउंड मोल्डिंग हो गई, टेबल मोल्डिंग हो गई, अच्छी है ये वाली ग्राउंड मोल्डिंग, ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरा होता है हमारा मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग का मतलब ये है कि आप प्लास्टिक के लिए मोल्डिंग करें, यानी मशीन मोल्डिंग हम जब करते हैं तो वो भी हमारी दो प्रकार की है। जैसे हमने कहा कि हैंड मोल्डिंग करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, कि ग्राउंड मोल्डिंग या टेबल मोल्डिंग। इसी तरह से मशीन मोल्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, दूसरा हमारा होता है ड्राई क्ले मोल्डिंग। यानी क्ले हमारे ड्राई कंडीशन में है तब हम मोल्डिंग करें, तो मशीन द्वारा जब हम मोल्डिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है मशीन मोल्डिंग से हमें ज़्यादा अच्छी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और वो भी कब, जब हम ड्राई। तो ये हमारा कौन सा है, बेटर क्वालिटी हमें इससे ब्रिक्स को, बेटर क्वालिटी ब्रिक हमें इससे देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी मोल्डिंग से लेकर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको लास्ट में एक और बताते हैं, एक होता है सैंड मोल्डिंग। सैंड मोल्डिंग क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सैंड मोल्डिंग आप इसको नोट करके लिखेंगे, सैंड मोल्डिंग, और दूसरा हमारा है स्लोप मोल्डिंग, स्लोप मोल्डिंग। देखिए जब हम ब्रिक में, हम जानते हैं कि ब्रिक में एक कोहेजन, यानी इसमें एक बहुत ही बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है क्ले में, तो कहीं ना कहीं वो होता है कि वो मोल्ड से चिपक जाती है। जब हम क्ले को मोल्ड में रख कर, इसके सांचे में रख कर हम उसको ढाल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिलती है
कि जो किले है वो सांचे में ही चिपक जाती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड अगर सांचे में बुरक रहे हैं या सैंड अगर सांचे में हम फैला कर स्प्रेड कर कर हम उस मोल्डिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ईंट उससे नहीं चिपकेगी। तो जब सैंड यूज़ करते हैं चिपकने से बचाने के लिए मोल्ड से किले को, तो उसे कहते हैं सैंड मोल्डिंग। लेकिन हम एक तरीके से और भी बचा सकते हैं कि अगर हम पानी लगा दें मोल्ड में, तो उस केस में भी हम देखेंगे कि हमारे किले उस मोल्ड से नहीं चिपकेगी, तो उस केस में कहते हैं उसे स्लॉप मोल्डिंग। तो वाटर अगर यूज हो रहा है इस चीज़ के लिए तो हम कहेंगे स्लॉप मोल्डिंग, और अगर सैंड यूज हो रही है तो उसे कहते हैं हम सैंड मोल्डिंग। तो ये थी हमारी आज की क्लास, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राइंग एंड बर्निंग। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।